हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दिस इज़ मी विप्लवी। वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको मेरा रॉ रूम टूर दिया जाए। मैं यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ और घर की तो खैर बात ही कुछ अलग होती है, पर मैं यहाँ कैसे रहती हूँ, मैं कहाँ वीडियो शूट करती हूँ, मैंने सोचा क्यों ना उसके बारे में थोड़ा आपको बताया जाए। वैसे तो आई वाज अ लिटिल स्केप्टिकल कि मतलब शेयर करूँ नहीं करूँ, कैसा क्या आप लोगों का फीडबैक रहेगा, लेकिन मैंने सोचा फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, जो है जैसा है यही है। और यस, मैंने बहुत लोगों को देखा है सुंदर सुंदर रूम टूर कराते हुए, तो मैंने सोचा मेरा भी जैसा भी रूम है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हो सकता है कुछ लोग देखना चाहते हो, मेरे घर के ही कुछ लोग हैं जिन्होंने आज तक नहीं देखा मैं कहाँ रहती हूँ, तो वो ही देख लेंगे, और कोई नहीं देखेगा तो। सो एनीवेज, यस, इंट्रो को और लंबा ना करते हुए लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। मैं अभी ना के आई थी यार, ये यहाँ का कंस्ट्रक्शन और चिड़िया है ना, कभी चुप नहीं हो सकती। वैसे मैं अभी ना के आई थी इसलिए मैं थोड़ी ऐसी लग रही हूँ, सेक्सी सेक्सी सी। मैं अभी आपको अपना रूम टूर दिखाती हूँ। ओके, सो ये मेरा रॉ रूम टूर है विथ रॉ विप्लवी। कुछ भी नहीं कर रखा है मैंने, अभी मुझे पीरियड्स होके हटे ही हैं, दैट्स व्हाई मेरी शक्ल की हालत हो रही है। डॉक्टर ने बोला हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, दवाइयाँ चल ही रहे हैं, लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। तो मैं अभी आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ओके, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे रूम का एंट्रेंस और ये है छत। हम छत वाली जगह पर रहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, टेरेस पर रहते हैं, यस, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। वो वाला अपार्टमेंट लिया है हमने और ये हमारे किचन का रास्ता है, पर ये वाला रूम हमेशा बंद ही रहता है, मतलब ये वाला गेट। सो इसे खोलते हैं। दिस इज़ हाउ माई रूम लुक्स लाइक। अगर मेरे रूम में BTS नहीं होगा तो कैसे ही चलेगा, यू नो राइट। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाथरूम से, जिसे मैं नहीं खोल के दिखाने वाली हूँ क्योंकि बिल्कुल भी दिखाने लायक जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये हमारी चद्दरें रखी हुई हैं, वो ओढ़ के हम सोते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है तो बहुत हल्की हल्की सी हैं। ओके, सो दिस इज़ द टेबल गाइस, जिसमें मतलब पूरा हमने ब्रह्मांड बसा रखा है लिटरली। और मेरी सिस्टर UPSC की तैयारी कर रही है, तो सिवाय किताबों को आपको मेरे रूम में ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, किताबें और मेरा सामान, बस यही आपको मिलेगा इस रूम में। सो यहाँ पर अभी मेरी कुंजी रखी हुई है, इन केस आपको पता हो यार कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आएगी आपको, मैं कुछ नहीं कर सकती उसका, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। और यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं मेरी सिस्टर की। दिस इज़ आर वाटर बॉटल, सादा भोजन उच्च विचार, वैसे ये जाएगा नहीं पर ठीक है, हम इससे पानी पीते हैं। ये है मेरा कैमरा बैग, और मैंने मेरा कैमरा दिखाया नहीं वैसे आप लोगों को, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर हम रखते हैं हमारी टूथब्रश, ये मेरी टूथब्रश है, देख लो, पहचान लेना अगर खो जाए तो। ओके, सो ये जितने भी आपको यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ दिख रहे हैं ना, ये सब हमारे दोस्तों ने दिए हुए हैं और हमने इकट्ठे किए हुए हैं। ये है मेरा कुछ पढ़ाई का काम, यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेशोज लिखा हुआ है अगर आप देख पा रहे हैं तो, क्योंकि मैं CA कर रही हूँ तो ये सब भी मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पे है वर्ल्ड मैप, मेरी सिस्टर ने रखा हुआ है, ये वो देखती रहती है, उनके तो काम आता ही है। UPSC की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो रिलेट कर सकते हैं। वैसे जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं वो जो देखते भी होंगे क्या, ये भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर रखी हुई हमारी डायरीज़, और ये है मेरी YouTube डायरी, आपने इसे देख ही रखा होगा, काफ़ी सुंदर है ये, सी। और बस कर यार बंद हो जा। यहाँ पर रखा हुआ है हमारा थोड़ा कीमती सामान, मेरी और मेरी सिस्टर की वॉच वगैरह, दिस इज़ माई न्यू वॉच, ये भी यहाँ रखी हुई है। और यस, ये दोनों चीज़ ना मैंने अभी फ्लावर्स मेरे यूट्यूब को डेकोरेशन करने के लिए लेते वीडियोस के पीछे, लेकिन अभी तक मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं है और इसलिए काम नहीं आया, इसलिए मैंने इनको यहीं सजा दिया है। तो ये सबसे ज़्यादा सुंदर कॉर्नर है हमारे कमरे का, आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सिंपल है। ओके, गेस करो कि वो क्या है। दिस इज़ माई गुड लक पिगी बैंक, यस, डोरेमोन है। वैसे मुझे डोरेमोन पसंद नहीं है, पर सबसे सस्ती गुल्लक यही थी शॉप पे। मैंने वो होता है ना चिकनी मिट्टी की गुल्लक पूछा था, वो 150 रुपये की थी और ये 70 रुपये की थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है ये वाली लूँगी मैं क्योंकि इसमें ख़राब भी नहीं होंगे पैसे, वैसे उसमें भी नहीं होते हैं शायद। मेरी जब है ना बहनें आती हैं ना मेरे से छोटी जो हैं मेरे रूम पर, कहती थी आपने कितनी क्यूट क्यूट चीज़ें रख रखी है अपने कमरे पर, उन्हें अच्छा लगता है। सो मेरी किताबें ना सिर्फ इतनी हैं जी, जो आपको दिख रही है ना बस सिर्फ ये ही है मेरी किताबें, इसके अलावा कमरे में जो भी किताबें हैं वो मेरी सिस्टर की हैं। और ये हमारी टेबल, और उसमें भी कुछ मेरा यूट्यूब का सामान है, ऐसी बस हमने ना जुगाड़ कर रखा है।
यू कैन सी दिस, ये है एक कॉर्नर। और अगर आपको भी ऐसा जुगाड़ करना है ना, हमारे पास वो नहीं थी शेल्फ्स रखने के लिए, किताबें बहुत हो गई थी, तो मैंने ये शू रैक लेकर आई थी। ये सिर्फ 450 रुपये की है, लेकिन लुक एट दिस, कितना अच्छे से ये हमारे काम आ रही है, बहुत ही बढ़िया है। ओके, आज पता नहीं कैमरे के क्या क्या एंगल होने वाले हैं। दिस इज़ माई न्यू चादर, लुक एट दिस, ये हमारा बेड। और थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, मैंने आज बिछा दी है मैट, वरना मैं कभी नहीं बिछाती हूँ क्योंकि गंदी हो जाएंगी। वो है मेरा टुक टुक नाम दिया है मैंने उसको, वो मुझे बर्थडे प्रेजेंट मिला था। ओके, सो दिस इज़ माय कॉर्नर, माना कमरा देसी है पर थोड़ी सी शब्द कोश ही अपन सुधार लेते हैं। तो ये है मेरा कॉर्नर, यहाँ मैं रहती हूँ, थोड़ा फैंसी बना लेते हैं। ओके, ये है वी BTS के सारे लोग और ये जंगकुक, इनको देख के मैं खुश होती रहती हूँ और बस यस इंस्पायर भी करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मैं इनको ना वैसे प्यार करती हूँ, जो अच्छे लगते हैं। पर्सनालिटी इनकी बहुत अच्छी लगती है, मतलब इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं, जितना भी इन्हें देखा है दूर दूर से, आई लव देम। यस, ये है एक बहुत बड़ी खिड़की, इफ़ यू कैन सी। और यहाँ पे मैं या तो पर्दा लगा दूँ तब आपको ज़्यादा क्लियरली दिखेगा, अभी मैं लगा देती हूँ पर्दा। पता नहीं इस मुझे कैमरे में ऐसा लगता है मेरा मुँह टेढ़ा टेढ़ा सा आता है, मुझे बताना सच में ऐसा ही है क्या। और ये है हमारा कूलर, अभी ना इसको देख के हमें ना हमारे घर की याद आती है लिटरली, क्योंकि ये इस मौसम में इतना ह्यूमिड है, और अपन देसी भाषा में कहें क्योंकि देसी रूम टूर हो रहा है, मस्के वाला मौसम, तो इससे बहुत भवक हो जाती है क्योंकि हम बाहर भी नहीं लगा सकते हैं। विंडोज़ का आप देख सकते हैं, हमने जुगाड़ कर रखा है, ऊपर भी हमने गत्ते लगाए हुए हैं क्योंकि वरना सी थ्रू होता है, ऊपर कांच लगे हुए हैं। और यस, ये भी है एक मैप, और ये है हमारी बहुत पुरानी अम्ब्रेला जो हर बार सर्दियों के मौसम में काम आती है। और ये है इंडिया का मैप, अगेन मेरी सिस्टर की वजह से है। और ये किचन्स मेरे प्यारे दोस्त ने मुझे दी हैं, उसको किचन्स का इतना शौक है ना, और सारे बच्चों मुझसे कहते हैं बच्चों जैसा क्यों बिहेव करती है, बच्चों जैसी चीज़ें क्यों लेती है, और लुक एट दिस क्या ला के देता है वो मुझे। एग्जैक्टली ये है हमारे एक कॉर्नर जहाँ पर हमारी तौलियाएँ लटकी हुई हैं, टाल लटकी हुए हैं। ओके, थोड़ा सा वैसा बनाते हैं। सैडली हमारे पास ना इस कमरे में वो ऐसी बंद वाली क्लोज़ेट नहीं है, अलमीरा लोहे वाली, तो हमने ना ये पर्दे अमेज़न से मंगाए थे और ना रस्सी बांध के से जुगाड़ बना रखा है। सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइज, मैं दोपहर में अभी शूट कर रही हूँ क्योंकि रात में तो मेरे कमरे में कुछ दिखेगा भी नहीं, क्योंकि एक ही ट्यूबलाइट है हमारे पास, बस ये जो चल रही है। ओके, तो मैंने इसे खिड़कियाँ वगैरह खोल दी हैं, अब एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है वैसे कमरे में। ओके, सो इट इज़ वॉट इट इज़, हमारे पास है, मैंने जैसा कहा था, बस दीदी का पढ़ाई का सामान है, और एक है हमारे पास ये तराम, इसे क्या बोलेंगे आप, इतना ज़्यादा अभी इस टाइम ये मैसी हो रहा है ना, मतलब बिल्कुल भी ना कुछ भी ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं है। मैंने वैसे काफ़ी कोशिश करी ऐसे बिस्किट के डब्बों में रखने की चीज़ें, और ये रही मैं, हूँ काफ़ी कोशिश करी है ढंग से रखने की, मेरे पास ऑर्गेनाइज़र भी है, लेकिन मैंने ना अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर करे हैं और वो आपको देखने को भी मिलेगा क्योंकि Amazon haul is on its way to you guys, so stay tuned। और अभी अपन ये ही देख लेते हैं, तो काफ़ी अभी क्लमजी सा हो रहा है, लेकिन मैं अच्छे से इसे है ना सेट कर दूँगी और आपको देखने को मिलेगा भी। और यहाँ पे भी काफ़ी कुछ सामान रखा हुआ है मेरा, लाइक ये मेरा मेकअप बॉक्स है, इसमें तो आई कैन कैरी माई एंटायर यूनिवर्स। ये मतलब देखने में छोटा लगता है बट सी इसमें काफ़ी कुछ आ सकता है, मतलब इसमें मेरा जितना भी मेकअप है ना, आधे से ज़्यादा मेकअप मेरा इसी में ही है। ओके, तो ये है मेरी मेकअप ब्रशेस का डब्बा, ठीक है, स्विस ब्यूटी वाला। और यहाँ पे रखती हूँ मैं मेरी ज्वेलरी वगैरह, मैंने ज्वेलरी के लिए भी अभी है ना काफ़ी कंटेनर्स वगैरह मंगाए हैं, इसमें भी मेरी ज्वेलरी है, और इसमें मेरे क्लिप्स वगैरह हैं, हेयर बैंड वगैरह। ये मैं आपको दिखाऊँ क्या, वैसे मेरा मन आपको दिखाने को, तो रुको मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ना अभी ख़रीद के लाई थी इन्हें, और ऐसी ना छोटी छोटी चीज़ें मुझे शेयर करना बड़ी अच्छी लगती है। सो लुक एट दिस क्रंची, ओ माई गॉड आई लव दिस कलर यार, आई लाइक लेवेंडर। और इसमें ऐसे ना कुछ अंदर बबल से भी डाले हुए हैं, ये भी काफ़ी प्यारे लगते हैं, दोनों काफ़ी सुंदर हैं। और ये तो मैंने दो हेयर बैंड लिए थे, दिस वन इज़ इन कॉटन और ये है सैटन में, ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये मैंने क्लिप्स ली थी, ये 30 का पेयर है, ये भी मैंने मंगाया था, अभी कोई फंक्शन है मुझे वो अटेंड करना है तो उसमें मैं ये पहनना चाह रही हूँ। और ये भी दो क्लिप्स हैं, अगेन इन लाइलैक लेवेंडर शेड, माय फेवरेट कलर, और ये तो मैं लगा ही चुकी हूँ, आई लव दीज, मतलब ये आपने नहीं देखी होंगी पर मैं बाहर लगा के जा चुकी हूँ, तो
ये लगा के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दिखाऊंगी आपको एक बार लगा के अगर इस कैमरे का एंगल ठीक है तो, क्योंकि मैंने ना कैमरा अभी थोड़े टाइम पहले लिया है तो मैं इतना ज़्यादा ना यूज़ टू नहीं हुई हूँ इससे। लुक एट दिस, ऐसा लगता है ये कुछ। सो यस, तो एक तो ये है और यहाँ पे है मेरे कपड़े। लुक एट दिस, काफ़ी कोशिश करी है ऑर्गेनाइज्ड करने की बट स्टिल यही है जो है। और हमने पर्दे भी इसलिए लगाए थे कि ये ना ज़्यादा धूल अंदर ना जाए। और यहाँ इसमें मैं मेरी सीरम्स रखती हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट फेस पे अप्लाई करने होते हैं ना, तो वो साफ़ होनी चाहिए, उनकी धूल नहीं होनी चाहिए। और ये मेरी अभी दवाइयाँ हैं और ये मेरी सिस्टर की अलमीरा है। मतलब बहुत कुछ हमने रखने की कोशिश कर रखी है और कुछ सामान तो रद्दी का है। लाइक ये इतने सारे इकट्ठे हो गए ना हमारे पास, क्योंकि ये वो हैं जब हम घर चले जाते हैं तो मेरी सिस्टर पढ़ नहीं पाती ना, तो वो अखबार इकट्ठे हो जाते हैं। और इसमें भी कुछ है, आप देख सकते हैं सॉफ्ट आइज है वैसे इसमें। और मुझे वो बर्थडे में प्रेजेंट में देने हैं तो ये अभी अपन नहीं खोलेंगे वरना पता लग जाएगा उन्हें मैं क्या दे रही हूँ। ओके, और ये हैं यहाँ पे मेरे सारे के सारे, क्या बोलते हैं उन्हें, बैग्स हैं। यस, लुक एट दिस, ये हमारा लैपटॉप है, हमने अभी लिया था। और कुछ भी भारी नहीं रखा हुआ है वैसे मैंने इसकी ऊपर। और यहाँ पे मेरे सारे बैग्स हैं। मुझे पता है कि है ना इनकी इतनी अच्छे से मैं नहीं देखभाल कर पा रही हूँ, पर क्या कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे बैग्स तो ना मेरे अभी घर हैं, मतलब आधे से ज़्यादा तो इधर हैं पर आधे अभी मेरे घर हैं। और कुछ मैं इधर उधर बांट देती हूँ, मतलब किसी फ्रेंड को दे दिया या मेरी सिस्टर्स को दे दिए कि यूज़ कर लो, ऐसे करना पड़ता है जब ज़्यादा पुराने हो जाते हैं वो। मतलब ख़राब नहीं होते हैं पर मैं उन्हें यूज़ करके थक गई हूँ या फिर मेरे पास जगह ही नहीं है रखने की। ओके, तो तब हम वो ऐसा करते हैं। और अभी मैं लेके चलती हूँ आपको रसोई में और किचन दिखाती हूँ, क्योंकि किचन में ही असली काम होता है यूट्यूब का। यस, मेरे कमरे में तो आप देख ही सकते हैं पूरा बस जो है यही है, यहाँ से शुरू होता है। मेरी सिस्टर आ गई एक्चुअली, इसलिए वो कुर्सी लेके बाहर बैठ गई है। और ये है हमारा कमरा, वो मेरा कॉर्नर है, अगेन फैंसी वर्ड। और यहाँ से अपन चलेंगे अपनी बालकनी में। ये ऐसे ही खुलता है, कुछ नहीं कर सकती मैं इसके लिए। सो दिस इज़ द व्यू गाइज। ये जो है ना इसको इग्नोर कर देना क्योंकि ये बकस मेरे ओनर का है। और उस पर जो ये रखा हुआ है कार्डबोर्ड हमारे फ्रिज का है। और ये है बाहर का व्यू, काफ़ी अच्छा लगता है वैसे यहाँ पे ना सर्दी गर्मी के हिसाब से, इट्स वेरी नाइस। ये बाहर में मैंने कहा था ना बारिश आ रही है, लेकिन सीधे पानी भरा हुआ है। ओके, थोड़ा गंदा है वैसे, पर अभी अपन रसोई में चलते हैं। सो टाडा, हियर इट इज़ माय रसोई। देख के पता लग गया होगा इतने सारे बिस्लेरी के कैंपर्स रखे हुए हैं। पहले मैं ना नॉर्मल पानी पी लेती थी नलके का, पर फिर मेरे फूड पॉइजनिंग हो गई तो मुझे बिस्लेरी ही सूट करता है। और अब हम ये वाले कैंपर्स मंगाते हैं जो 40 रुपये का आता है ना वो। आपको मेरी शक्ल तो ढंग से दिख रही है ना वैसे, मैं वीडियो बनाते बनाते ना काफ़ी देर हो गई क्योंकि बीच बीच में लोग इतना आवाज़ करते हैं ना कि मुझे बंद करना पड़ता है। स्टिल आवाज़ तो आई ही होगी आपको, वो तो मैं, तू चला जा भाई, कितनी गाड़ियाँ जाती है यार। सी दिस अगेन। ओके, ये मेरी सिस्टर और मैंने कुछ बनाया था यहाँ पे ना, हमने ये पतंग लगा रखी है। ये ना आ गई थी सकरात वाले दिन उड़ के, तो हमने सोचा हम ही रख लेते हैं, हमारे पास आई है तो हमारे लिए आई होगी। ये मेरी सिस्टर मैंने कुछ बनाया था, आपने इसको किसी वीडियो में देखा भी होगा, पर मैंने इसे यूज़ नहीं किया। और लाते टाइम ना ये पैर पूरा ऐसे है ना टैंगल्ड हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर रखते हैं हम हमारे शूज़। ये है मेरा ट्राईपॉड और इस पर मैं बैठ के वीडियोज़ बनाती हूँ। एंड लिटरली टडा, दिस इज़ द एरिया, ओनली दिस मच एरिया इज़ माइन जहाँ पे मैं बैठ के वीडियोस बनाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इधर ना वो भी लगा रखे हैं, क्या बोलते हैं ना, मुझे याद नहीं आ रहा, हुक्स। ओके, हुक्स भी लगा रखे हैं, तो मुझे कुछ भी सजावट की चीज़ लटकानी होती है मैं वो लटका देती हूँ। एंड लिटरली दिस मच एरिया इज़ माइन, बस मतलब इस गेट से लेके यहाँ तक का जहाँ मैं बैठ के अपनी यूट्यूब वीडियो शूट करती हूँ, लिटरली बिना पंखा चलाए, क्योंकि पंखा नहीं चला सकते फिर आवाज़ आती है। और ये है एक कॉर्नर जहाँ पे हमारा पानी का सामान रखा हुआ है। ये है हमारी अलमारी जिसमें मसाले वसाले और हॉट केस और मेरे मखाने, और क्योंकि मैं उन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पर्सन में से हूँ जो दुनिया में सिर्फ 1% ही होते हैं जिनकी टेल बोन में दर्द होता है। यस, आई एम फ्रॉम वन ऑफ दोज। और मेरे को ना टेल बोन में बहुत दर्द होता है, पर मखाने खा के मेरा ठीक हो जाता है क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था विटामिन डी की कमी से होता है, तो इसलिए मैं उन्हें भून के फ्राई कर उनके खाती हूँ उसमें घी में। यस, तो फिर अच्छे लगते हैं वो। और दूध में डाल के खाते हैं ना तो हड्डी, दूध वूध में डाल के खाते हैं तो हड्डी भी मजबूत होती है, प्रॉपर विटामिन डी मिलता है। सो यस, यहाँ पे पूरा वो सामान, ये हमारा एक पुराना सिलेंडर भी रखा हुआ है इधर,
ओके, तो वो है सिंक जिसमें बर्तन पड़े हैं मुझे भी धोने में, जिस सिस्टर का पेपर था तो आज उसने कुछ नहीं किया, सब कुछ मैंने किया है। ये हमारी मटकी, ये हमारा सफाई वाला बर्तन वॉश करने वाला, पता नहीं कौन सा, बाय वन गेट वन जिसमें होता है मैं वो उठा लेती हूँ। ये हमारी गैस, ये मेरी रिंग लाइट, भला हो मेरा जिसने ऐसे दोस्त बनाए जो उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। जस्ट किडिंग, मतलब मेरे दोस्त ने मुझे, जब मैंने यूट्यूब शुरू ही किया था तो मेरा बर्थडे था, मतलब 21 को मैंने यूट्यूब शुरू किया था और 20 अप्रैल को मेरा बर्थडे आता है, तो उसने मुझे बर्थडे गिफ्ट में रिंग लाइट ही दी। मतलब सो थॉटफुल, कितना ज़्यादा अच्छा गिफ्ट उसने मुझे दिया। सो यस, वही है यहाँ पे, ये है, हमने रस्सी भी लगा रखी है क्योंकि बारिश का मौसम है तो बारिश बारिश पड़ती है, हम इस पर कपड़े सुखा लेते हैं। फुल पूरा देसी, मैं आज आपको दिखा रही हूँ मैं कैसे रहती हूँ, कुछ भी फैंसी नहीं है। यहाँ पे रखे हैं मेरे काजू जो मेरे दोस्त आके खा गया था कल आधे से ज़्यादा, तो और वैसे आधे से ज़्यादा नहीं खाए, वो वीडियो देखेगा तो गाली देगा मुझे, है ये तो सील गए, कोई बात नहीं। दिस इज़ द फ्रिज, ओके। सो इसके साथ वो वाली बात है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स ने तब ली थी जब मैं पैदा हुई थी, मतलब ये ली थी उन्होंने, मैं अभी 27 क्यों नहीं 26, ओ माय गॉड क्या हो गया, 26 साल क्यों, तो ये उन्होंने ली थी जब मैं हुई थी, तो मतलब इसको 26 साल हो गए, पर स्टिल इट्स वर्किंग लाइक मैन ऑसम, बहुत अच्छा काम कर रही है ये। तो इसमें भी मैं दिखाऊं कि हमने क्या रख रखा है, देख लो, छोटा सा फ्रिज है, हमने घर से ना ट्रांसपोर्ट कराया था, थोड़ा इसमें टेंट वेंट आ गया है, तो कोई बात नहीं, कैलकुलेटर का है, उस टाइम चलता था। वो है मेरी अमूल की आइसक्रीम, आप वो ही देख लीजिए, ढक्कन इसका टूट गया है। दूध है, छोटा मोटा सामान है, यहाँ मेरी चॉकलेट है बाय द वे, किटकैट तो मैंने नहीं खाई है और मेरे दोस्त को पता लग गया तो वो चट कर जाएगा आके। ओके, सोचेगा मेरे खाने के बारे में कितना बोल रही हूँ खुद की वीडियो में। सो यस, और कुछ है क्या मेरे पास दिखाने के लिए आपको? मैंने अभी अभी रियलाइज़ किया कि मैंने आपको ना मेरे ये नहीं दिखाया, मेरी सब्जी रखने वाला, और ये तो ना बहुत ही ज़्यादा खजाना है, इस पर हम सारा खाने पीने का सामान रखते हैं। टराम, मैगी मैगी मैगी, ये है हमारी आटे की बाल्टी, ये भी दिखा दूँ क्या मैं आपको, देख लीजिए, कोई बात नहीं। और बस यही मेरी छोटी सी दुनिया है घर के बाहर, जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरा रेंटेड अपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही होगी, सॉरी यार, क्या ही करूँ, वहीं बैठ जाती हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं यहीं वीडियो शूट करती हूँ। ओके गाइस, ये था मेरा रूम टूर, जितना ज़्यादा रॉ मैं लग रही हूँ उतना ही रॉ मेरा रूम टूर था। मैंने मतलब बस सफाई की है आज लिटरली, कि आपको धूल मिट्टी ना दिखे, कहीं आप सोचे कि मैं बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक बंदी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे वो क्या बोलते हैं, OCD बोलते हैं आई थिंक, मुझे सब कुछ एकदम प्रॉपर चाहिए होता है, पर दिस मच ही वी कैन डू इन दिस अपार्टमेंट, जब खुद का नहीं होता तो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, और हम खर्चा भी नहीं करते हैं कुछ ला के रखने का, कि फिर घर पर सब कुछ और फिर यहाँ से। अभी पता है मेरे को कुछ टाइम बाद जैसे होता है ना, क्योंकि हमें 3 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए, तो होता है ना कि शिफ्ट करते हैं, अगर मैं कहीं और भी चली जाऊँगी तो भी शिफ्ट ही करना पड़ेगा, पर अभी हमने इतना इकट्ठा कर लिया है ना सामान, लिटरली हमारी बच जाएगी जिस दिन हम ये शिफ्ट करेंगे, क्योंकि मतलब गद्दे बेड और फ्रिज और मतलब क्या सब कुछ है हमारे पास, क्या नहीं है, मतलब सब कुछ जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही बहुत कुछ है हमारे पास। तो हम यहाँ पर अच्छे से रहते हैं मज़े से, और जब जयपुर में यही हमारा घर है तो हम यहाँ आते हैं तो हमें काफ़ी सुकून मिलता है। यस, क्योंकि घर पे तो अलग ही बात होती है खैर, लेकिन जयपुर में जैसे बाहर से आ रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, तो बस ऐसा लगता है बस रूम पे चलो रूम पे चलो। तो यही हमारा छोटा सा आशियाना है जहाँ पे मैं रहती हूँ, और मैं यहाँ पे वीडियो शूट करती हूँ, आपने देख ही लिया है। यस, और बस यही मुझे आज आपके साथ शेयर करना था, हो आपको ये वीडियो देख के मज़े आए होंगे, वैसे ये व्लॉग भी था वीडियो भी था जो भी समझ लीजिए आप इसे, और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मुझे गालियाँ भी पड़ेंगी मुझे ऐसा लगता है आज, पर कोई बात नहीं क्योंकि बहुत पैसा है भाई लोगों के पास, अच्छी बात है, तरक्की होनी चाहिए, पर सारे यहीं घर बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन कभी ख़त्म नहीं होता। ये मार्बल की मशीन तो मैं जब से यहाँ पे रेंट लिया है, वरना मतलब मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, मुझे एक ही चीज़ का ये था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती है, मतलब साल में एक दिन तो ऐसा मिल जाए जिस दिन आवाज़ ना हो, ऐसा नहीं हो पाता है, पर स्टिल आई कॉन्ट हेल्प इट। सो यार, दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, हो आपने एंजॉय किया होगा, ऐसा लगा ये व्लॉग या फिर ये वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं जहाँ पे फंक्शन में जा रही हूँ बर्थडे सेलिब्रेट करने, वो भी मैं हो सकता है व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। सो स्टे ट्यून्ड, और भी अमेजन हॉरर बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके पास आने वाली हैं, सो स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ बी पॉजिटिव एंड डू नॉट फॉरगेट, लव यू ऑल सो मच, सरेंगे, बाय।